हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार और सभी का केमिस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपना चैप्टर चल रहा था डी ब्लॉक एलिमेंट और उसके गुण धर्म अपने पॉइंट चल रहे थे। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा धात्विक गुण। धात्विक गुण तो जनरल अपन बताएगी, जो संगण तत्व होते हैं सभी धातु तत्व होते हैं, सभी धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिनके पास सभी पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, डी ब्लॉक के तत्व उन पास सभी पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसकी धात्विक जो संरचना होती है वो होती है बीसीसी, बीसीसी यानी काय, काय केंद्रित घनीय संरचना, काय केंद्रित घनीय संरचना यानी बीसीसी। नंबर दो होती है अपनी षटकोणीय, केंद्रित घनीय संरचना यानी HCP। और तीसरी है फलक, केंद्रित घनीय संरचना यानी FCC। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके द्वारा प्रदर्शित करने वाली संरचना कौन कौन सी होती है? धात्विक संरचना यानी क्रिस्टल घनीय संरचना, BCC, HCP और FCC, ये तीन प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो धात्विक गुण की बात करें तो जो डी ब्लॉक के तत्व हो जाए, जो संक्रमण तत्व होते हैं अपने, उनमें प्रारंभ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है? धीरे धीरे वृद्धि होती है, इसलिए उसके धात्विक बंध प्रबल बनता है। तो यानी अपन देखते हैं जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि होती है धात्विक बंध में योगदान अधिक होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी होती है धात्विक बंध में योगदान कम होता है और धात्विक गुण में कमी होती है। तो जैसे प्रारंभ में अपन देखते हैं, यानी आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ा था, तो D1 फिर D2, D3, D4 और D5 ये प्रारंभ जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो अयुग्मित संख्या में वृद्धि होने की वजह से इनका धात्विक बंध में योगदान अधिक होता है, तो प्रबल धात्विक बंध बनता है। परंतु जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता जाएगा वैसे वैसे धात्विक बंध कैसा होता जाता है? कमजोर होता जाता है और धात्विक बंध सामर्थ्य कम होती जाती है। ठीक है, तो ये तथा अपना धात्विक गुण यानी जो जितने भी संकरण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं और धात्विक गुण था उस अयुग्मित संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आता है इसमें क्या आता है कि प्रारंभ में संकरण तत्व श्रेणी में प्रथम संकरण श्रेणी के प्रारंभ में धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, अंत में धीरे धीरे कमी होती जाती है। क्यों? उसका कारण यही है कि प्रारंभ जो संकरण तत्व उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि होती है, इससे धात्विक बंध में योगदान अधिक होता है और प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं। और फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है और धात्विक बंध में योगदान कम होता जाता है। ठीक, ये पॉइंट था अपना धात्विक गुण। नेक्स्ट अपना है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण यानी जो जितने भी संक्रमण तत्व है उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जितने डी ब्लॉक के तत्व है अक्सर अपन उत्प्रेरक रूप में देखते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व है उत्प्रेरक रूप में किए जाते हैं। उसका कारण क्या है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण ये उत्प्रेरक रूप में किए जाते हैं। ठीक है, इसी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ये उत्प्रेरक प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे वनस्पति तेलु का हाइड्रोजनीकरण
वनस्पति तेलों का हाइड्रोजेशन, यानी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ आर, ठीक। इसका हाइड्रोजनीकरण एच टू, इसका हाइड्रोजनीकरण होता है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो जो निकल है ये कौन से तत्व है, संक्रमण तत्व। क्या है, संक्रमण तत्व। तो प्रोडक्ट उत्पाद क्या बने, आर सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ आर, यानी निकल वनस्पति तेलों का क्या हुआ, हाइड्रोजन का योग हुआ। या हाइड्रोजन का योग किसके रूप में हुआ, निकल उत्प्रेरक तत्व। निकल कौन सा है, संक्रमण तत्व है, डिवलोक के तत्व है, ठीक। तो इस प्रकार ये जो संक्रमण तत्व है वे उत्प्रेरक किए जाते। धन्यवाद, आज के लिए इतना।